बताना चाहूंगी कि ये लोन मिला पिछले 3 हफ्ते से यहाँ चल रहा है। हर सैटरडे को यहाँ एमसीडी के द्वारा रेहड़ी पटरी खोलने वालों को, जरूरतमंद लोगों को लोन मेले में जो है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे आकर बताया कि बैंक द्वारा उनके खाते में 10,000 रुपए का लोन आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जरूरतमंद लोगों के लिए अच्छा है कि उनको आगे अपना काम करने में सुविधा होती है। इससे बहुत ही नॉमिनल जो है इंटरेस्ट होता है और बहुत आसान किस्तों में इसे वापस किया जा सकता है। इसके बाद दुगनी राशि का लोन मिलता है, 10,000 जब पे किया जाता है उसके बाद 20,000 का लोन मिलता है, और जब 20,000 भी पे किया जाएगा उसके बाद 50,000 तक का लोन है। तो ये लोन मिला हमारे यहाँ 3 हफ्ते से लगातार चल रहा है। आज स्पेशली जो है डीएम ऑफिस से गरिमा जी यहाँ आई है, तो एक स्कीम है जो खाद्य प्रसंस्करण योजना है, ये पीएम एफएमई योजना है, जिसके अंतर्गत जो लोग खाद्य सामग्री से कुछ बनाकर बेचना चाहते हैं, घर में काम ऑलरेडी कर रहे हैं या नए लेवल पे करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं वो उसे बढ़ा सकते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो इंटरेस्टेड है तो वो शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सारी प्रक्रिया, उसपे लोन किस तरीके से मिलेगा, जानकारी क्या होगी, ट्रेनिंग क्या होगी, सारी फॉर्मेलिटीज जो है इनके द्वारा पूरी की जाएगी। जानकारी देने के लिए आज आई थी, आपने देखा यहाँ बहुत सारी महिलाएं पुरुष सभी लोग जो इंटरेस्टेड है सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और बहुत सारे लोग जो है उसमें आगे आना चाहते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। तो हमारा भी मुख्य उद्देश्य यही रहता है, क्योंकि सरकार की तरफ से हर बंदे के लिए स्कीम होती है, किसी भी लेवल पे कोई काम करना चाहे तो सभी को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि लोगों को सरकारी योजना का फायदा दिलवाया जाए, इसीलिए आज ये कैंप लगाया। देखिए रेखा रानी मैडम, काउंसलर निगम पार्षद जी के सहयोग से आज यहाँ पर हमने महिलाओं को बताया है सरकार की योजना के बारे में, जिसका नाम है PMSME स्कीम। इसमें जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर अपना खाने पीने से संबंधित व्यवसाय करना चाहते हैं लघु स्तर पर, वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुनहरी स्कीम है। तो आज हमारा मकसद आने का यही था, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना। बिल्कुल, देखिए ये सभी काम जो है जागरूकता से होता है। लोग या महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं घरेलू महिलाएं हैं, ये सोचकर बैठ जाती हैं, इनको एक पहले कदम की जरूरत होती है, जो इस स्कीम के द्वारा मैंने आज कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पर महिलाओं को जागरूक कर सकूं, और जिससे वो अपना काम शुरू कर सके और अपने घर परिवार में उनको सहयोग मिले। सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है लोन के लिए, सिर्फ चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, सरकारी बैंक में खाता। हमारे द्वारा सिंगल विंडो एप्लीकेशन हमारे द्वारा अप्लाई होगा,
फिर धीरे करके डीएलसी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की तरफ से एप्लीकेशन पास होगी, जिसके बाद आपकी एप्लीकेशन बैंक हो जाएगी और लोन प्रोसीजर स्टार्ट होगा। इसके लिए मैं सबसे पहले तो अपनी हमारे भजनपुरा वार्ड 230 से जनप्रिय हमारी निगम पार्षद श्रीमती रेखा रानी जी का और उनके प्रयासों की बहुत ही सराहना करना चाहूंगा। जिस तरीके से वो अपने क्षेत्रवासियों को चाहे हैं उनके द्वारा दी गई साफ सफाई की, जैसे कि वो निगम पार्षद हैं, बेहतरीन सुविधाएं हों या क्षेत्रवासियों के लिए मेडिकल से रिलेटेड सुविधाएं हों, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं हों, पानी सीवर से संबंधित सुविधाएं हों और उनके आज कारोबार से संबंधित भी, जैसे कि कुछ महिला उद्यमी पुरुष उद्यमी अगर कोई जो सरकार की योजनाएं जिनका के हमारे क्षेत्रवासियों को जानकारी भी नहीं होती, उनके द्वारा डीएम ऑफिस से मैडम को बुलाकर उनको एक एक चीज के बारे में बताया जा रहा है जो जो सरकारों की योजनाएं हैं, फिर अपने क्षेत्रवासियों को आज आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित किया जा रहा है। तो हमारी बहन रेखा रानी जी जो हमारे क्षेत्र की बहुत ही जनप्रिय निगम पार्षद हैं, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ।